हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा, केमिस्ट्री बाई नरोत्तम शर्मा। हम आपको केमिस्ट्री की उन बारीक समस्याओं से जूझना और निकलना सिखाएंगे जिसको अपन कहते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री रटनी पड़ती है। तो आज से आपको केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। आज हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है विलयन। टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम शेयर करके हमसे साझा कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे कहते हैं कि विलयन हमें टफ पड़ता है। आज से आप नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम टॉपिक को बहुत बारीकी से समझ के चलते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, तो हमें टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट हो, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से आरंभ करना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा विलयन, तो हम इसकी डेफिनेशन परिभाषा सीखेंगे पहले कि वास्तव में विलयन होता क्या है। देखिए, विलयन की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं कि यहां दो चीज खास बातें हैं कि एक तो विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे। पदार्थों की जगह आप अवयव या घटक यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में कंपोनेंट। इसका मतलब विलयन के अंदर कम से कम दो कंपोनेंट होना अनिवार्य है। दोषित अधिक कितने भी हो सकते हैं। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है समांगी मिश्रण, हेटरोजेनस मिक्सचर। हेटरोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना है जिसके घटक नग्न आंखों से अलग अलग नहीं पहचाने जा सके। अर्थात ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों को नग्न आंखों से अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, तो वो मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। दूसरी खास बात क्या है समांगी मिश्रण की? एक तो अपन उनको अलग अलग नहीं पहचान सकते, दूसरी खास बात यह है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग का घनत्व डेंसिटी समान होगी। मिश्रण के प्रत्येक भाग का घनत्व आपने मान के चलो एक मिश्रण तैयार किया, हमने कहा कि इस मिश्रण में दो अवयव हैं, तो अब इस मिश्रण के किसी भी भाग से हम थोड़ा सा मिश्रण अलग करें और इसका घनत्व निकालें। चाहे हम यहां से मिश्रण लें, इसका घनत्व निकालें, तो कहीं से भी ले लेना, उसकी डेंसिटी कैसी आएगी? समान आएगी। तीसरी खास बात क्या है कि संपूर्ण मिश्रण में घटकों का वितरण समान होगा। मींस हमने कहा इस पूरे मिश्रण में जिस रेशियो में अवयव या कंपोनेंट इस स्थान पर हैं, उसी रेशियो में इस स्थान पर होंगे। अर्थात मिश्रण के किसी भी भाग में अपन
कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो कैसा आएगा, समांग आएगा। तो अपन पहचाना सीखे कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो हमने तीन खास बात देखी समांगी मिश्रण की। पहली कि उसके घटकों को अलग अलग नहीं पहचान सकते। दूसरी प्रत्येक भाग का घनत्व समान होता है। और तीसरी संपूर्ण मिश्रण में घटकों का वितरण भी समान होगा। तो डेफिनेशन में दो ही चीज थी, एक तो दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए और दूसरा मिश्रण समांगी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब हमें विलयन की परिभाषा आ गई। अब बात करते हैं विलयन के वर्गीकरण की। विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। जैसे अपन बात करें नंबर वन, विलयन में उपस्थित अवयवों या घटकों की संख्या के आधार, आपने कोई मिश्रण तैयार किया, आपको यह देखना है कि उस मिश्रण में आपने कितने कंपोनेंट ऐड किए हैं। अगर आपने दो कंपोनेंट ऐड किए हैं तो उस मिश्रण का या विलयन का नाम होगा द्विअंगी विलयन, बाइकंपोनेंट सॉल्यूशन। अगर आपने तीन अवयव मिश्रित किए हैं तो अपन कह देंगे त्रिअंगी विलयन। अगर आपने चार कंपोनेंट डाले हैं तो उसे कह देंगे चतुअंगी विलयन। ऐसे ही अगर आपने और अधिक कंपोनेंट डाले हैं तो उसको कह देंगे हम बहुअंगी विलयन। तो बहुत आसान सी चीजें हैं कि आपको देखना है कि आपके मिश्रण में कितने कंपोनेंट हैं, कितने घटक हैं, उसी आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर उन विलयनों का नामकरण किया जा सकता है। दो होने पर द्विअंगी, तीन होने पर त्रिअंगी, चार होने पर चतुर्अंगी। अब बात करते हैं कि सर मान के चलो हमारे मिश्रण में केवल दो कंपोनेंट हैं, तो दो कंपोनेंट अर्थात द्विअंगी विलयन। इस पूरे चैप्टर में हम केवल द्विअंगी मिश्रण का अध्ययन करेंगे। तो हम कहें एक द्विअंगी विलयन हमने लिया, द्विअंगी विलयन। इस द्विअंगी विलयन में यह कंफर्म हो गया कि इसमें केवल दो घटक होंगे। अब वो दो घटकों का नामकरण करना है। उन दो घटकों में से एक घटक होगा आपका जो कहलाएगा विलयन, और दूसरा घटक जो होगा वो कहलाएगा आपका विलायक। अब हमारा चैप्टर आरंभ हो रहा है कि विलयन में अगर दो घटक हैं तो एक घटक कहला रहा है विलयन और दूसरा घटक कहलाएगा विलायक। हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सा कंपोनेंट विलय है और कौन सा कंपोनेंट विलायक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। देखिए बुक्स ये कहती हैं कि जो घटक कम मात्रा में हो, इसका मतलब कम मात्रा वाला घटक वो विलय होगा और अधिक मात्रा वाला घटक वो विलायक होगा। लेकिन इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। किताबों में लिखा हुआ है कि कम मात्रा वाला घटक विलय है, अधिक मात्रा वाला घटक विलायक है, लेकिन यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है?
इसको सीखने के लिए थोड़ा सा अंदर जाते हैं कि अपन बात करें कि सर हमने दो कंपोनेंट डाले, आपको ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट तो भुला और किस कंपोनेंट में भुला। तो मैं तो सीधी सीधी बात जनरल बात करता हूं कि जो घुलता है वो होता है विलय और जो घोलता है वो होता है विलायक। तो आपको देखना है कि कौन घुला वो सॉल्यूट और किस में घुला वो सॉल्वेंट। अब हमें कैसे पता पड़ेगा, तो आप पहले घुलने का अर्थ समझें। घुलने का अर्थ है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुलने का अर्थ है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ द्वारा चारों तरफ से घेर लेना। जैसे मान के चलो आपके पास दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, ए के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक आपका मैंने कहा ए की संख्या है मान के चलो 1000 और बी की संख्या है मान के चलो 10। आपने इन दोनों को मिला दिया। अब आप खुद सोचें क्या ये जो 10 मॉलिक्यूल हैं ये 1000 मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेर सकते हैं क्या? नहीं घेर सकते। तो हम उल्टा सोचें कि 1000 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल को घेर लेंगे, बिल्कुल घेर सकते हैं। तो इसका मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है संख्या अधिक वो होगा आपका सॉल्वेंट यानी कि विलायक और जिसकी संख्या कम है कम संख्या वो होगा आपका सॉल्यूट यानी कि विलेय। सीधी सी बात है एक अणु है इसको हम बहुत सारे अणुओं से घेर सकते हैं ना कि बहुत सारे अणुओं को एक अणु से, अर्थात कम संख्या वाला अणु विलेय होगा और अधिक संख्या वाला अणु विलायक होगा क्योंकि अधिक संख्या होने पर ही वो कम संख्या वाले अणुओं को चारों तरफ से घेर सकता है अर्थात अपने अंदर घोल सकता है। अब बात आती है जब हमें यह पता पड़ गया कि संख्या के आधार पर ही विलय और विलायक का निर्धारण होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी संख्या कम होगी वो विलय होगा, तो फिर विलय और विलायक का निर्धारण मात्रा से नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करें? विलय और विलायक का निर्धारण मात्रा से नहीं बल्कि संख्या के आधार पर होगा। तो इसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा, ये रॉन्ग है हमारी बात। सही बात क्या होगी? हम ये कह सकते हैं कम मोल मात्रा वाला घटक वो विलय होगा, ये बात सही है, और अधिक मोल मात्रा वाला घटक वो विलायक होगा, ये सही है। सर मोल मात्रा और मात्रा में क्या अंतर है? देखिए जैसे मान के चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट लिया आपने वाटर और दूसरा कंपोनेंट लिया आपने एथेनॉल। केमिस्ट्री में आप जानते हो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट अणुभार 18, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46। अब आपने मात्रा ली और वो किसमें ले ली? आपने ग्राम में। मान के चलो वाटर की मात्रा आपने ले ली 36 ग्राम और एथेनॉल की मात्रा आपने ले ली 46 ग्राम।
अगर हम इस डेफिनेशन से देखें कि कम मात्रा वाला घटक कौन है हमारा वाटर और अधिक मात्रा वाला घटक कौन है हमारा एथेनॉल, तो अगर इस डेफिनेशन से देखें तो अगर इन दोनों का मिश्रण तैयार किया जाए तो वहां वाटर कम मात्रा में है तो वो विलेय हो जाएगा, इनसॉल्यूट हो जाएगा, और एथेनॉल अधिक मात्रा में है तो वो विलायक हो जाएगा। लेकिन ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखें कि इसकी मात्रा भले ही 36 ग्राम है लेकिन अगर आप इसके मोल निकालें, मोल का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में देखा है और हम भी बताएंगे कि एक मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। आपने ग्राम में मात्रा कितनी है 36 ग्राम, इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो बताओ कितना आया 2 मोल। ऐसे ही इसके मोल निकाले एथेनॉल के, मोल बराबर ग्राम में मात्रा 46, मॉलिक्यूलर वेट 46, कितना आया 1 मोल। तो मोल मात्रा किसकी ज्यादा है वाटर की और कम किसकी है एथेनॉल की। अब इसकी संख्या भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल वाटर है तो 2 मोल वाटर में आप ये देखो कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। तो अपन मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो अपन कहेंगे कि भाई हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बराबर मोल इंटू अवोगाड्रो संख्या। अब आपने यहां पे रखा मोल कितना है 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23। ऐसे ही इसके कणों की संख्या यानी अणुओं की संख्या निकालें, अणुओं की संख्या तो वही काम करेंगे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल कितना है इसका 1, आपने इसका किया कितना आया 6.023 इंटू 10^20। अब आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस मिक्सचर में जहां हमने वाटर और एथेनॉल को मिलाया है उस मिक्सचर में वाटर के मॉलिक्यूल 2 इंटू 6.023 इंटू 10^23 है जबकि एथेनॉल के इतने हैं। तो आप देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या एथेनॉल के मॉलिक्यूल से अधिक है, दुगनी है। और मैं अभी आपको बताया कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो कम संख्या वाले अणुओं को घेर सकता है और जो घेर सकता है वो कौन होगा विलायक। तो ये हुआ आपका विलायक और ये कौन हुआ। तो अब हम सीख गए कि हमें केवल मात्रा के आधार पर विलेय और विलायक का निर्धारण नहीं करना है बल्कि इसके मोल मात्रा या कणों या अणुओं की संख्या के आधार पर विलेय और विलायक का निर्धारण करना है। तो अब हम विलेय और विलायक का निर्धारण करना सीख गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ा रहे थे आपको विलयन के वर्गीकरण और किसके आधार पर घटकों की संख्या के आधार पर। अब हम बात करेंगे विलयन का वर्गीकरण का दूसरा आधार सेकेंड वेस क्या बनाएंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करना है। देखिए विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होंगे, कौन कौन से। एक होगा गैसीय विलयन, दूसरा द्रवीय विलयन और तीसरा ठोसीय विलयन। अब हमें यह सीखना है कि सिर्फ केवल विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ही विलयन का वर्गीकरण क्यों किया, विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर क्यों नहीं किया।
बहुत आसान सी बात है, आपने कोई मिक्सचर तैयार किया, इसमें आपने दो चीज मिला दी, एक मिलाया विलेय और दूसरा विलायक, और ये आपका विलयन तैयार हो गया। अब मैंने कहा मान के चलो आपका विलेय की भौतिक अवस्था क्या थी, ठोस सॉलिड, और विलायक की फिजिकल स्टेट क्या है, मान के चलो लिक्विड यानी कि द्रव। हम ये जानते हैं कि विलेय सॉलिड है, लेकिन चूंकि ये विलेय है तो विलेय का मतलब कम मोल मात्रा और विलायक का मतलब अधिक मोल मात्रा। इसका मतलब क्या, विलयन में अधिक मोल मात्रा में कौन है, विलायक। तो जब इन दोनों चीजों को आप इसमें मिलाओगे तो उस विलयन की फिजिकल स्टेट विलेय निर्धारित करेगा या विलायक, जिसकी मोल मात्रा ज्यादा होगी, और मोल मात्रा ज्यादा किसकी है, विलायक की। तो विलयन की फिजिकल स्टेट वही आती है जो विलायक की फिजिकल स्टेट होती है, इसलिए हमने विलयन का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है, विलायक की फिजिकल स्टेट के आधार पर। क्यों, क्योंकि अगर विलायक द्रव है तो विलयन भी कैसा बनेगा, द्रव बनेगा। अगर विलायक गैस है तो विलयन भी कैसा बनेगा, गैस बनेगा। तो इसका मतलब इन तीनों प्रकार के विलयन में एक बात कंफर्म हो गई कि जो गैसीय विलयन है उस गैसीय विलयन में यह तो निश्चित है कि जो विलायक होगा वो कौन सी अवस्था में होगा, गैस अवस्था। क्यों, क्योंकि गैसीय विलयन तभी बनेगा जब विलायक गैस हो। ऐसे ही द्रवीय विलयन के अंदर विलायक कौन सी स्टेट में होगा, द्रव में। ठोसीय विलयन के अंदर विलायक कौन सी स्टेट में होगा, ठोस में। तो एक बात तो हमें ये कंफर्म हो गई कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के हो सकते हैं, गैसीय, द्रवीय, ठोसीय। और उन तीनों ही प्रकार के विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था भी वही होगी जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी। परंतु अब देखिए, मान के चलो मैं यहां पे एक वर्गीकरण लेता हूं कि यहां मैंने कहा विलयन, यहां मैं लेता हूं विलायक की भौतिक अवस्था, अब हम ले लेते हैं विलेय की भौतिक अवस्था। अभी हमने कहा कि विलयन तीन प्रकार के हैं, नंबर एक गैसीय विलयन, और हमने यह भी बता दिया कि उस गैसीय विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, यस। लेकिन विलेय की भौतिक अवस्था क्या होगी, ये डिपेंड करता है आपने क्या मिलाया है। आप विलेय की भौतिक अवस्था गैस रख सकते हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं विलेय को ब्लैक में घोला जाता है, गैस को गैस में घोल दिया, गैस का गैस के साथ समांगी मिश्रण बना दिया। तो हम एक विलयन तो यह बना सकते हैं कि विलेय भी गैस हो, विलायक गैस हो, तो विलयन कैसा बनेगा, गैसीय विलयन। दूसरा यह हो सकता है कि विलायक तो सर गैस है लेकिन विलेय की भौतिक अवस्था हमने क्या ले दी, द्रव। तो एक विलयन यह भी बन सकता है, इन दोनों को मिलाओगे तो भी विलयन कैसा बनेगा, गैसीय विलयन, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था अभी भी क्या है, गैस। तो आपने आपकी बार क्या किया है, द्रव को गैस में घोला है, यानी कि ये द्रव गैस का समांगी मिश्रण। तीसरी भौतिक ये बन सकती है अवस्था कि अभी भी आपने विलायक तो गैस लिया लेकिन विलेय कैसा ले लिया,
खुश। ये अवस्था बन सकती है। तो ये तीनों प्रकार में विलायक की भौतिक अवस्था गैस है, जबकि विलेय की भौतिक अवस्था गैस, द्रव या ठोस है। परंतु विलायक की भौतिक अवस्था गैस है तो विलयन कैसा बनेगा? गैसीय। ऐसे ही दूसरा हम लेते हैं द्रवीय विलयन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि विलायक कैसा होगा? द्रव। परंतु विलय हम उसी तरीके से ले सकते हैं, एक बार हम गैस ले सकते हैं, अर्थात गैस को द्रव में घुला, एक बार हम द्रव ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव को द्रव में घोला और एक बार हम द्रव में क्या बोल सकते हैं? ठोस बोल सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन किसकी बन जाएंगी? द्रवीय विलयन की। ऐसे तीसरी विलयन का प्रकार है ठोसीय विलयन। इसके भी तीन कंडीशन बन जाएंगी। अब की बार वही चीज, विलायक तो क्या होगा? ठोस, लेकिन विलय गैस भी हो सकता है। ऐसे ही ठोस के साथ द्रव को घोल सकते हैं और ऐसे ही ठोस के साथ गैस को घोल सकते हैं, सॉरी ठोस के साथ ठोस को घोल सकते हैं। अब आप देखें कि गैसीय विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था हर बार गैस है, लेकिन विलेय की भौतिक अवस्था बदल रही है। द्रवीय विलयन में विलायक की अवस्था हर बार द्रव है, लेकिन विलेय की अवस्था बदल रही है। ऐसे ठोसीय विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था हर बार ठोस है, लेकिन विलेय की भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। अब बात करते हैं सर, हमने अब तक जब जब विलयन की बात की है तो हम केवल एक विलयन को देखते हैं और उसी पर अटक जाते हैं। वो मैं बता देता हूं, ठोस द्रव का मिश्रण। क्या हमने जैसे बात करते हैं, विलयन का उदाहरण दो सर, शरबत। शरबत में क्या किया सर? पानी में शक्कर को मिला दिया। अब पानी क्या हो गया? विलायक। विलायक कौन सी अवस्था में? पानी द्रव अवस्था में। और शक्कर कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। हम यही उदाहरण देते हैं ज्यादातर विलयन के कि सर शक्कर और पानी का मिश्रण, सर नमक और पानी का मिश्रण, सर ग्लूकोज और पानी का मिश्रण। तो हमारी सुई यही अटक जाती है कि यही विलयन है। नहीं, विलयन ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। चलो एक एक दैनिक जीवन में डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देखते हैं इनका, कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो गैस और गैस का समांगी मिश्रण हो। अर्थात हम बात करें कैसा विलयन बनाना है, गैसीय विलयन। हमें ध्यान देना है कि गैसीय विलयन बनाना कैसा बनाना है, जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो और विलेय की भौतिक अवस्था भी गैस हो, अर्थात घुलने वाली भी गैस और घुलने वाली भी गैस। ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल है इसका, वायु, हवा। देखो हवा में बहुत सारी गैसें हैं, कई सारे कंपोनेंट हैं। अगर हम मैक्सिमम कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट अपन बात करते हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। अब आप देखें कि अगर एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्सचर है, अर्थात अब देखो यहां मोल मात्रा किसकी ज्यादा है, हम देखते हैं इसकी मात्रा लगभग 78%, इसकी 21%। तो मोल मात्रा किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो जिसकी मोल मात्रा ज्यादा होगी वो कौन है? सॉल्वेंट यानी कि विलायक। और जिसकी मोल मात्रा ज्यादा है वो विलायक है और कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में। और जिसकी मोल मात्रा कम है ऑक्सीजन, वो विलेय है और वो भी कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में। तो ये कैसा मिश्रण बन गया? गैस का गैस में मिश्रण, गैस का गैस में विलेय। तो ये एयर इसका एग्जाम्पल बन। और इसमें वो चीज भी आप देख सकते हो, मैंने कहा था समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, आप एयर के किसी भी, अगर मैं प्योर एयर की बात कर रहा हूं, पॉलिश एयर की बात, पॉल्यूशन एयर की बात नहीं कर रहा, कि प्योर एयर में आप कहीं से भी ले लेना, वहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन समान होगा। तो समांगी मिश्रण भी तभी बनेगा जब कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? समान।
अब बात करते हैं गैस और द्रव के मिश्रण की। अब हमें क्या करना है, लिक्विड को गैस में घोलना है, यानी कि लिक्विड की मोल मात्रा तो क्या होनी चाहिए, कम, और गैस की मोल मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक। अब ऐसा एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान है, जलवाष्प अगर हम वाटर की वेपर बनाएं तो आप क्या देखोगे, वाटर वेपर में जो गैस होती है, वाटर वेपर में होता क्या है, एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। अब एयर ज्यादा हो गई तो जो ज्यादा है वो कौन हो गया, विलायक, और जो कम है वो कौन हो गया, विलेय, और विलेय कम कौन है इसमें, वाटर, ज्यादा कौन है, एयर, तो एयर यानी कि गैस और वाटर यानी कि द्रव। तो यहां हम बात करें जल वाष्प में आखिर होता क्या है, जल वाष्प में जल के मॉलिक्यूल एयर के अंदर घुले रहते हैं, जल के यानी कि द्रव के मॉलिक्यूल एयर यानी कि गैस के अंदर घुले रहते हैं। तो ये द्रव गैस का समांगी मिश्रण है, अर्थात द्रव गैस का गैसीय विलय। ऐसे हम बात करें गैस और ठोस, ये अभी आपको डेली लाइफ में दिखाई नहीं देता इसलिए हम बात समझ में नहीं आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक चैप्टर है, आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। अधिशोषण में क्या होता है कि किसी ठोस सतह पर गैस का अधिशोषण होता है, और ये एक समांगी मिश्रण बनता है। जैसे अपन बात करें पैलेडियम, पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, तो पैलेडियम क्या है, ठोस, और हाइड्रोजन आपको क्या करना है, ठोस को गैस में घोलना है, मैं उल्टा कर गया, गैस को ठोस में घोल दिया, ठोस कम होना चाहिए, गैस अधिक होनी चाहिए। अब ऐसा एग्जांपल लेना है जहां ठोस कम हो और गैस ज्यादा हो, जैसे हम बात करें धुआं। अब आप देखें धुएं में क्या होता है, धुएं में कार्बन के कण होते हैं, किसके अंदर, एयर के अंदर। अब कार्बन के कण ज्यादा होती है, एयर ज्यादा होती है, एयर ज्यादा होती है, तो जो ज्यादा होगा वो विलायक, और विलायक कौन है, एयर यानी कि गैस, और कार्बन के कण क्या है, कम, कम यानी कि विलेय, और वो कैसे हैं, ठोस। तो इसका एग्जांपल क्या बनता है, धुआं। इसके साथ साथ कोई भी ऊर्ध्वपातज ठोस अगर हम एक ऐसे सॉलिड को ले जिसका सब्लिमेशन हो सके, ऊर्ध्वपातन हो सके, आपने सॉलिड को गर्म किया और उसकी डायरेक्ट वेपर बन गई, तो डायरेक्ट वेपर बनती है तो उसकी वाष्प बन गई, उस वाष्प में उस सॉलिड के सॉलिड मॉलिक्यूल भी होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, और एयर की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी ठोस का ऊर्ध्वपातन करें तो वो भी इस वाले एग्जाम्पल में जाएगा, अर्थात ठोस का गैस में मिश्रण। चलिए अपन बात करते हैं द्रव्य विलयन की। यहां द्रव्य विलयन में पहला विलयन हम बना रहे हैं गैस द्रव में घुली हो, अर्थात गैस कम हो और द्रव ज्यादा हो, जैसे सोडा वाटर, आप सोडा वाटर की बोतल में क्या होता है, विलायक द्रव है और उसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है, तो विलेय कौन है वहां, गैस, विलायक कौन है, द्रव, किसके अंदर, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं वहां सब में CO2 गैस घुली होती है, तो वो गैस का द्रव में समांगी मिश्रण होता है, अर्थात द्रव्य विलयन होता है। अब बात करते हैं द्रव द्रव का मिश्रण, ये तो बहुत आसान है, अभी अभी मैंने बनाया वाटर प्लस एथेनॉल। अब यहां पे आप देखेंगे वाटर की स्टेट भी क्या है, लिक्विड, एथेनॉल की स्टेट भी क्या है, लिक्विड, तो आप इन दोनों को मिला दो, दो लिक्विड मिलाएं, आपको कैसा मिल जाएगा, द्रव्य विलयन बन जाएगा। बस डिपेंड करता है
कि एक की मूल मात्रा अधिक होनी चाहिए और दूसरे की मूल मात्रा कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं द्रव और ठोस के मिश्रण की। देखिए फिर से वही हमें क्या देखना है कि ठोस विलेय रखना है और द्रव विलायक रखना है, यानी कि मूल मात्रा किसकी ज्यादा होनी चाहिए, द्रव की, और मूल मात्रा कम किसकी होनी चाहिए, ठोस की। तो इसका बहुत आसान सा एग्जांपल वही जो आप करते हो, जल प्लस शक्कर, यानी कि कोई भी सॉल्युबल सॉलिड को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वो कैसा होगा, द्रव ठोस का समांगी मिश्रण होगा, अर्थात एक द्रव्य विलयन होगा। चलो बात करते हैं ठोसीय विलयन की। अब की बार देखो ये क्या कह रहा है, ठोस विलायक और गैस विलेय, यानी कि विलायक ठोस है, मात्रा ठोस की ज्यादा रखनी है। यहां वो एग्जांपल आएगा जो हम गलती कर रहे थे, अधिशोषण वाला। कैसे, मैंने कहा था पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण होना, तो हाइड्रोजन वहां कम मात्रा में होती है, वो गैस है, पैलेडियम अधिक मात्रा में होता है, वो ठोस है, तो गैस का ठोस में मिश्रण अधिशोषण होता है। अधिशोषण क्या होता है वो बाद में बताएंगे अपन कि अधिशोषण वास्तव में होता क्या है, फिलहाल हमें यहां केवल उदाहरण याद रखना है, एग्जाम्पल देखना है कि ठोस और गैस के समांगी मिश्रण ठोसीय विलयन का एक एग्जाम्पल बनता है किसी गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण। अब बात करते हैं ठोस और द्रव, यानी कि द्रव को ठोस में घोलना है, इसका एग्जाम्पल है अमलगम। आपने बहुत सारे अमलगम देखे होंगे, सोना अमलगम। वास्तव में अमलगम होते क्या है, अमलगम किसी भी मेटल का पारे के साथ बना यौगिक होता है, कोई भी धातु वो पारे के साथ एक यौगिक बनाए तो वो कहलाती है अमलगम। मैंने कहा यहां सोना अमलगम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब AuHd हो जाएगा, चांदी अमलगम की बात करें तो AgHd हो जाएगा, जिंक अमलगम की बात करें तो ZnHd हो जाएगा। तो जितने भी अमलगम हैं वो द्रव के ठोस में विलयन होते हैं, क्योंकि वहां लिक्विड, यानी कि लिक्विड कौन है, वहां पारा, वो कम मात्रा में होता है, और ठोस वो मेटल होती है, धातु होती है, वो अधिक मात्रा में होती है। तो यहां ठोस द्रव का मिश्रण अमलगम है। और अब आता है ठोस ठोस का मिश्रण, जितनी भी मिश्र धातु हैं, जैसे हम बात करते हैं पीतल, कांसा। अब पीतल में क्या क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, कॉपर और जिंक। अब यहां कॉपर भी कैसा है, सॉलिड, जिंक भी कैसा है, ठोस। और आपको पता होना चाहिए पीतल में कॉपर की मात्रा अधिक होती है और जिंक की मात्रा कम होती है। तो ऐसे पूछ ले कोई कि पीतल में विलेय का काम कौन कर रहा है, जिंक, और विलायक का काम कौन कर रहा है, कॉपर, या दोनों ही ठोस है, तो ये ठोस ठोस का सॉल्यूशन का एग्जांपल बनता है। तो अब तक हमने आपको विलयन की परिभाषा और विलयन का वर्गीकरण केवल दो बेस पर बताया है, एक अवयवों की संख्या के आधार पर और दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। मेरे ख्याल से आपको यहां तक का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इससे अगला टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।